एयरपोर्ट पे आप रूम कैसे ले सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे स्टे अपना कैसे कर सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। हर एक चीज़ है, इसका प्राइस काफ़ी कम होने वाला है। तो एयरपोर्ट से बाहर कैसे जा सकते हैं और उसके बाद वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, वापस आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी पड़ेगा, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। रात के बज रहे हैं 1, तो हम लोग निकले हैं घूमने कोलकाता की गलियों पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुनील सोन एक मोकड़े लौंडा। और आज मैं जिस रूम में हूँ वो एक 3 स्टार या 5 स्टार होटल के रूम के जैसा है, और यह है एयरपोर्ट पर रूम। तो एयरपोर्ट पे आप रूम कैसे ले सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे स्टे अपना कैसे कर सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो रूम कैसा है, इसका प्राइस क्या होने वाला, हर एक चीज़ आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग हैं इसमें कोलकाता एयरपोर्ट पर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने रूम लिया है, जो कि हम लोग की सुबह की फ्लाइट है 5:45 पे, 5:45 पे। तो हम लोग ने रूम लिया लगभग 11 बजे के आसपास, तो 11:30 बज चुके हैं। तो ये रूम कितने का पड़ा, इस रूम में क्या क्या फैसिलिटी है, हर एक चीज़ बताएंगे। इस रूम में फ्रिज और वॉशरूम अच्छा है, फ्रिज है, हर एक चीज़ है, इसका प्राइस काफ़ी कम होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हर एक चीज़ जानकारी देते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री बुक करने के लिए काउंटर। तो इसका जो प्राइस है वो है दोहरा साझा कक्ष में एकल बिस्तर, जो कि है 1120 रुपये का, और पूरा परिवार कक्ष जिसमें कि हस्बैंड वाइफ 5 साल का बच्चा, तो उसका रेट है 1680 रुपये। और सयन याला मतलब डॉर्मेट्री जिसका है पर हेड 700 रुपीज़ प्लस GST मिला के 784। ये देखिए चलिए आ रहे हैं रिटायरिंग रूम में। ये है इन लोगों का रिटायरिंग रूम जो लेफ्ट साइड और राइट साइड बने हुए हैं। तो ये भैया आगे जा रहे हैं, तो अब दिखाएंगे अपना रूम। हम लोग को मिला है ये रूम, रूम नंबर 23। रूम के अंदर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये रूम, इससे एंट्री किया और इसी राइट साइड में है वॉशरूम, तो जो कि बढ़िया है, अच्छा है। और ये शॉवर एरिया और ये मैं, तो ये है वॉशरूम। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, कोई भी सामान रख सकते हैं। तो ये हो गया, और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नीचे फ्रिज है, फ्रिज सबकी व्यवस्था, हर एक चीज़ है, और केटल वगैरह कॉफ़ी वगैरह बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसा कुछ एरिया मिल जाता है, वो थोड़ा सिटिंग एरिया है और टीवी वगैरह लगी हुई है, और ये ऐसा, और ये है बेडिंग, जो कि इनकी डबल बेड वाला लेते हैं या कोई भी तरीके के लेते हैं, तो ये इसी तरीके के बेड मिलते हैं आपको, सिंगल सिंगल के 2 बेड। और अगर आप वाला रूम लेते हैं साझे वाला रूम, तो उसमें ये अलग अलग पर्सन मिलेंगे आपको, अनजान लोग। तो ऐसा रूम, बाहर का ये आपको व्यू दिखाते हैं, कार्टन चाहे डाउन कर लीजिए चाहे आप कर लीजिए, बाहर का है ये, जो कि यहाँ से एयरपोर्ट के बाहर का जो सिटी है वो दिख रही है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का रूम, और इधर मिरर लगा हुआ है। तो पानी वगैरह आपको मिलेगा रूम के अंदर ही, पानी, टॉवल, ये सोप। अब हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और निकलेंगे सुबह 5:45 पे, जो कि 4:30 के आसपास का हम लोग ने टाइम लिया है चेकआउट का। और ये रूम पड़ा हम लोगों को 1680 GST वगैरह मिला के। तो थोड़ा आराम करेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए रूम लिया, 4-5 घंटे के लिए, तो बाहर रहते थोड़ा दिक्कत होती, अब यहाँ आराम से, और इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया रूम है 1680 में, जो भी आपको दिखाया सब कुछ है। तो अभी डिनर करते हैं और उसके बाद ले चलेंगे आपको बाहर। तो एयरपोर्ट से बाहर कैसे जा सकते हैं और उसके बाद वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, वापस आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी पड़ेगा, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। पहले डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको वीडियो में। रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग घूम रहे हैं कोलकाता। तो ये ऑटो पकड़ा हुआ है और घूम रहे हैं कोलकाता, फिर चलेंगे फिर से एयरपोर्ट पर वापस। पहले थोड़ा घूम लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं बाहर, फिर चलते फिर से रूम पे, और बाहर निकलने का प्रोसेस, फिर से अंदर कैसे जाना है वो अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। तो हम लोग निकले हैं घूमने कोलकाता की गलियों पे, और हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए, कनेक्टिंग फ्लाइट थी फिर भी एयरपोर्ट से बाहर आ गए, कैसे आ गए अभी आपको आगे चल के बताते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाहर। हम लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, कनेक्टिंग फ्लाइट में बाहर नहीं आने दिया जाता है, और किस तरीके से हम लोग बाहर आए हैं तो वो आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने लिया था अंदर ही रूम, जिसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है। तो उस रूम का जो रसीद थी, जो भी आपको दिखाते हैं, तो ये जो रसीद है जो कि रूम की है, तो इसको दिखा के, और जितने लोग बाहर आना चाहते हैं, जैसे हम 2 लोग थे तो दोनों लोगों की आईडी और ये रसीद दिखा के हम लोग आ गए हैं इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बाहर। तो अभी फिर ये दिखा के एंट्री होगी, तो ये किस गेट से होगी वो भी आपको बताते हैं। तो ये जो सामने लिखा है 3C, तो इसी गेट से एग्ज़िट होगी और इसी गेट से एंट्री होगी। टाइम हो गया है
1:35। तो अब चलेंगे अंदर अपने रूम पे। तो इस वीडियो में ये पता चला कि एयरपोर्ट पे रूम कैसे ले सकते हैं, कितने का होता है और कैसा रूम होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पोर्ट ब्लेयर की सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में कई सारी वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको पोर्ट ब्लेयर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों का शेयर करें। अगर मेरे चैनल पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।